अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रेहान एंड आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम फ्रोजन शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसकी फिजिकल असेसमेंट और डायग्नोसिस तो बनाते ही हैं, जिसके बेस पर हम उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी कंडीशन के मुताबिक हम उसको एक्सरसाइज करवाते हैं। तो फर्ज करें अगर हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया है जो कि शोल्डर की 1 डिग्री भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका शोल्डर बिल्कुल स्टिफ है, 0 डिग्री पर है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा, तो हम ऐसे पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे कि उसकी रेंज ऑफ मोशन दोबारा बहाल हो सके। तो ऐसे एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें हम पेशेंट को कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ वो अपना स्पाइन लाइन में सीधा लेटा रहे, जिस तरह उसने अपना बाजू रखा हुआ है सीधा, हम उसे कहते हैं कि बस इससे नीचे जोर लगाए, ठीक है, 0 डिग्री पर है, हम उसको कहते हैं 0 डिग्री पर ही नीचे फोर्स लगाए। फर्ज करें अगर ये पेशेंट है, पेशेंट का बाजू इस तरह पड़ा है, तो हम उसको कहते हैं कि नीचे बेड के ऊपर फोर्स लगाए, ठीक है, बीच में कोई ना कोई बॉल रख सकते हैं या कोई पिलो रख सकते हैं, और हम पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट को कमांड करते हैं कि वो इससे नीचे फोर्स लगाए, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें ज्वाइंट पर कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन मसल कंट्रैक्ट करता है, मसल कंट्रैक्ट करने की वजह से मसल की स्ट्रेंथनिंग भी गेन होती है और उसकी रेंज ऑफ मोशन भी बहाल होती है। तो अगर पेशेंट के शोल्डर पर स्वेलिंग और पेन बहुत ज्यादा है तो हम उसके लिए आइसिंग करते हैं। पहले 24 से 48 घंटे हम पेशेंट के शोल्डर पर आइसिंग करेंगे, लेकिन अगर स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ अकड़ाव है, तब हम हीट थेरेपी अप्लाई करते हैं, जिसमें डिफरेंट हीटिंग पैड्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं, IRB है हीट देने के लिए, और इसके साथ हम टेंस मशीन अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट के पेन को पहले कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अगर पेशेंट दर्द में होगा तो हमें वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करवाने देगा। तो सबसे पहले हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐड की, साथ हमने हीटिंग पैड ऐड किया और साथ टेंस मशीन लगाई। अब पेशेंट का पेन कंट्रोल कर चुके हैं हम, कुछ ना कुछ आइसोमेट्रिक से उसकी रेंज ऑफ मोशन भी दोबारा बहाल हो जाएगी। तो उसके बाद हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऐड करते हैं, जिसमें हम सिंपल उसको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं। इन एक्सरसाइजेस के अलावा हम फिंगर लैडर, शोल्डर व्हील या पेंडुलम एक्सरसाइज भी फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को करवाते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को दोबारा बहाल करने के लिए हम फिंगर लैडर एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें पेशेंट अपने हाथ को दीवार की मदद से ऊपर लेके जाते हैं, जिसमें उसके साथ शोल्डर की मूवमेंट भी हो जाती है, लाइक इस तरह पेशेंट अपने हाथ को वॉल के ऊपर लेके जाता है और फिर इसी तरह वापस इसको नीचे लेकर आता है। इसकी 10 रेपिटेशन करता है पेशेंट। अगर इसमें उसको फेटीग या पेन का सामना करना पड़ता है तो वो इसकी रेपिटेशन कम भी कर सकता है। दूसरी एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं वो वॉल स्लाइड एक्सरसाइज है, जिसमें पेशेंट अपने हाथ को वॉल के ऊपर स्लाइड करता है, लाइक इस तरह। इसमें कोई टॉवल यूज कर सकते हैं पेशेंट, वॉल के और हाथ के बीच में कोई टॉवल रख ले और इसको फिर अपवर्ड स्लाइड करें बाय यूजिंग योर ओन बॉडी वेट। इसमें हाथ मेरे ऊपर जा रहा है लेकिन मैं अपना बॉडी वेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, अपनी बॉडी मोस्ट तरफ लेके जा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज हमारे पास होती है जिसे हम पेंडुलम एक्सरसाइज करते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइज के लिए हमें कोई चीज चाहिए जिसकी हम सपोर्ट ले सकें और हमें एक वेट चाहिए जिसे हम अपने हैंड में ग्रैस्प कर सकें। तो इस साइड में इन्वॉल्व साइड जो होगी उसमें हम वेट ग्रैस्प करेंगे, सपोर्टेड साइड पर हम सपोर्ट लेंगे, खुद कुछ ना कुछ बेंड होंगे और इसमें हम फर्ज करो वेट लेकर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इसके हम 10 रेपिटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अलावा। इसको हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में भी लेके जा सकते हैं, सिंपल पेंडुलम मूवमेंट दें इसे। इसको पेंडुलम एक्सरसाइज हम कहते हैं, इसमें हम पेंडुलम मूवमेंट कर सकते हैं।